हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ हैदराबादी चिकन अचारी बिरयानी। तो रेस्टोरेंट में कैसे बनता है आज मैं सारा राज लेके आई हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। हेलो अंकल, आप बताइए आपके पास कौन कौन सी बिरयानी बनती है और फेमस कौन सी बिरयानी है आपकी? और होम डिलीवरी करवाते हैं आप? बिल्कुल गर्मा गर्म बिरयानी घर पे और कोई चार्जेस नहीं है? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अंकल ने फ्री में रखा है होम डिलीवरी। देखिए पहले खाने को बोल रहे हैं और बाद में पैसे के लिए, तो इससे बड़ा तो आपको कहीं नहीं मिल सकता डील। तो जरूर एक बार ट्राई करें अंकल की घर की इरशाद बिरयानी। अंकल बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं। रोजाना सीखें कुछ नया बनाना विद रोजाना खाना। सब्सक्राइब कीजिए रोजाना खाना को और प्रेस कीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आपको मिलते रहे हमारे डिशेस और रेसिपीज की नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस। धन्यवाद। तो ये देखिए, हम एक रेस्टोरेंट में हूँ और यहाँ पे हम 6 kg चावल का बिरयानी बनाएंगे। तो उसमें हम पतीला में पानी डाल के और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब पानी हमारा बॉयल हो रहा है। ये देखिए 6 kg बिरयानी वाला लॉन्ग राइस है चावल ये, और इसी का बिरयानी बनेगा। तो देखिए हम पानी में ही डाल लिए हैं चावल को, और साथ के साथ हमारा यहीं पे जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या डलेगा इसमें। तो फ्लेम हाई है बिल्कुल, और यहीं पे हम बादाम डाले हैं देख सकते हैं, और इलायची, और यहीं पे जितना भी बादाम डालना चाहे आप डाल सकते हैं, और यहीं पे काजू भी जितना आपको पसंद हो डाल सकते हैं। तो ये रेस्टोरेंट में बन रहा है और मैं आप सभी को बनाना बता रही हूँ कि इस तरीके से आप घर पे बना सकते हैं। तो साथ के साथ हम डालेंगे यहीं पे, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या डाल रहे हैं भैया। यहीं पे लौंग डाल दिए हैं देख सकते हैं आप, और इसमें डालेंगे ये केवड़ा जल। केवड़ा जल डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये 6 kg के हिसाब से बना रहे हैं, तो केवड़ा जल 2 बड़े चम्मच डाले हैं, और अच्छा से इसमें बॉयल आने के लिए छोड़ दिया है। यहीं पर डाल रहे हैं रिफाइंड ऑयल, कि जो चावल है बिरयानी का चावल एक दूसरे में चिपके ना। तो देखिए कितना बढ़िया पक रहा है। तो इसे हमें पकाना है बढ़िया से चावल को बिरयानी के लिए, यानी कि हमें 70% चावल को पकाना है और 30% मतलब हम चिकन के साथ बनाएंगे। तो देखिए फ्लेम हाई है और हम आपको चेक भी करवाएंगे कि चावल बना है कि नहीं, कितना परसेंट हमें पकाना है मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए अभी ये चावल पका नहीं है, तो थोड़े देर के लिए और इसे पकाएंगे। तो बहुत ही अच्छा उबाल आ रहा है, और यहाँ पे हमारा जो चावल है 70% पक चुका है देख सकते हैं। तो अब हम इसे छान लेते हैं किसी कॉटन कपड़ा में या बड़ा सा छन्नी में छान रहे हैं भैया। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके का बिरयानी बनेगा दोस्तों। तो देखिए आराम आराम से छान ले रहे हैं, और छानने के बाद में इसे साइड में रखेंगे। तो इसमें पूरा जो फ्लेवर है इलायची का और लौंग का और केवड़ा जल का सारा आ गया है, और जो आपका जो इसमें बादाम है काजू है सब साथ के साथ आ गए, और यहीं पे हमारा जो चावल है बिल्कुल निकल के कंप्लीट हो गया है। और इसे जो पानी इसका है नीचे निकल जाए, नीचे से एक बर्तन रख दिए हैं, और चावल जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट है तो इसलिए ज्यादा बन रहा है। आप अगर घर पे बना रहे हैं तो अपने आवश्यकता अनुसार चावल लें और चिकन लें। तो देखिए ये हांडी में बनेगा ये हैदराबादी बिरयानी। तो आप सभी को पता है कि हांडी में ही बनता है हैदराबादी बिरयानी। तो सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। ये 500 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट है और 10 किलो चिकन है देख सकते हैं। चिकन डाल के और यहाँ पे स्वाद अनुसार जितना चिकन है उसी के अनुसार नमक डालेंगे, यानी कि हम चावल में ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं, तो जितना चिकन है उतना ही हम डालेंगे। और यहाँ पे जो मसाला डलेगा मैं आपको बताती हूँ, जो कि सीक्रेट है, आपको कोई नहीं बताएगा। तो देखिए यहाँ पे फ्लेम जला लिए हैं भैया, और फ्लेम जला के उसके बाद हांडी को रख ली है। तो हांडी को रखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें करना क्या है। अदरक लहसुन का पेस्ट है और चिकन है और नमक है, बाकी अभी कुछ नहीं डला है। तो देखिए अच्छे से इसे चलाना है, यानी कि चलाते हुए इसे भून रहे हैं। तो
10 मिनट तक इसी तरह से भूने हैं। देखिए 7 से 10 मिनट तक भूने हैं और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं कि जो हमारा चिकन है नीचे से लगे ना, यानी कि इसमें जो जूसीपन है बरकरार रहे। और यहाँ पे चिकन बहुत ही अच्छा भून चुका है, तो यहाँ पे तो रेस्टोरेंट है तो 10 केजी का बन रहा और 6 केजी चावल, तो आप घर पे अपने आवश्यकता अनुसार लेके बना सकते हैं। तो ये बनाने का जो तरीका है दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन है। तो अब बारी आती है मसाला डालने का, तो यहाँ पे बॉम्बे मसाला डाला जा रहा है, यानी कि बिरयानी के लिए इसमें सब कुछ मिक्स होता है, तेजपत्ता, इलायची, लौंग, जो भी आता है इसमें ऑलरेडी सारा मसाला है। तो देखिए इसे डाल लिया है, ये 250 ग्राम का पैकेट डाले हैं भैया 10 केजी चिकन के लिए। अगर आप घर पे बना रहे हैं जिस हिसाब से चिकन हो उस हिसाब से मसाला 2 चम्मच 3 चम्मच डाल सकते हैं। तो देखिए मसाला डाल के और अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं, बढ़िया से मिक्स कर रहे हैं चारों तरफ और भून रहे हैं इसे। तो देखिए मसाला भून ही रहा है, अच्छे से चलाते हुए भून रहे हैं। और इसका जो बनेगा ना अचारी बिरयानी बहुत ही मस्त बनेगा दोस्तों। तो ये हैदराबाद में फेमस है, तो मैं आप सभी को सिखा रही हूँ। देखिए यहीं पे डल रहा है, ये फ्रूट कलर है, लेकिन आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। तो ये फ्रूट कलर रेस्टोरेंट में डल रहा है, आप घर पे बना रहे हैं तो कश्मीरी लाल मिर्च डाल लें और अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब इसका कलर देखिए कितना बेहतरीन आ गया है और बहुत ही लजीज दिख रहा है। तो अच्छे से इसे चलाते हुए भून रहे हैं और भूनते भूनते इन्हें टाइम हो गया है 8 से 10 मिनट। तो देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे चिकन भून गया है, बहुत ही बढ़िया भून रहे हैं। चिकन भूनने का ही तरीका जो है अचारी बिरयानी में टेस्ट लाएगा। तो ये चिकन अचारी बिरयानी जो हैदराबाद के स्टाइल में है ना दोस्तों, आप जरूर ट्राई करें। तो ऊपर से जो चावल को ड्राई करके रखे थे छान के वो डाल लिए हैं, देख सकते हैं अच्छे से बिछा ले रहे हैं चारों तरफ चावल को। और फ्लेम नीचे जल ही रहा है, यानी कि फ्लेम जो है मीडियम कर दिए हैं, ज्यादा हाई फ्लेम नहीं है। और ऊपर से ये देखिए मिर्च का अचार डाल रहे हैं, खट्टा मीठा अचार है ये, मिर्च का अचार है। आप चाहें तो आम का अचार भी डाल सकते हैं गुठली निकाल के, और इसका जो फ्लेवर आएगा ना हैदराबादी अचारी बिरयानी में लाजवाब टेस्ट आएगा दोस्तों। तो ऊपर से बिछा लिए हैं और बिछाने के बाद में मैं आपको बताती हूँ कि करते क्या है सैफ भैया। तो देखिए अब इस पे डालेंगे रिफाइंड ऑयल, तो यहाँ पे ज्यादा बन रहा है तो पूरा 1 केजी रिफाइंड ऑयल को डाला जा रहा है। अगर आप घर पे बना रहे हैं तो जो रिफाइंड ऑयल है या घी यूज कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रेस्टोरेंट में बन रहा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए 1 केजी रिफाइंड ऑयल डालने के बाद में थोड़ा सा पानी के छींटा मार दिए हैं ऊपर से, और कॉटन कपड़ा नीचे हांडी को ढक दिए हैं और ऊपर एक प्लेट रख दिए हैं, देख सकते हैं आप। कॉटन कपड़ा इसलिए रखे हैं जो भी भाप आएगा कॉटन कपड़ा सोख लेगा और जो चिकन अचारी बिरयानी होगी वो बिल्कुल खिला खिला बनेगा। तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है दोस्तों। तो देखिए फ्लेम हो गया है लो और इसे मात्र 7 से 8 मिनट रखेंगे गैस पे। तो लीजिए यहाँ पे जो बिरयानी है वो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार है। तो इसे आप चेक कर ले रहे हैं भैया, देखिए तो नीचे से सारा मतलब निकाल के जो चिकन है ऊपर कर ले रहे हैं, और चिकन ऊपर करने के बाद में इसका जो कलर आ रहा ना दोस्तों बिरयानी के ऊपर बहुत ही लजीज है, आप इसे देख के तो रुक ही नहीं सकते बिना खाए। तो ये बहुत ही मजेदार लगता है खाने में हैदराबादी चिकन बिरयानी। तो देखिए ये अचारी के साथ है तो स्पेशल है और बहुत लजीज है। तो मैं आपको खा के बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है, तो आप जरूर बनाइएगा और अपना राय लिखिएगा कि आपका जो बना हैदराबादी चिकन बिरयानी अचारी स्टाइल में वो कैसा बना। तो ये जो भैया का रेस्टोरेंट है ये बहुत ही फेमस है और ये बहुत बढ़िया बनाते हैं अचारी बिरयानी। तो जब भी आप इस रेस्टोरेंट में आए जरूर खाएं। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ ये खा के कि कैसा टेस्ट है। और इनका दुकान का नाम देख सकते हैं आप जो कि फेमस है
और अब हम आपको दिखाते हैं खाके कि कैसा बना है अचारी बिरयानी। तो आइए हम खाते हैं। भैया के पास बहुत से सुविधा है, आपको होम डिलीवरी फ्री करने का भी सुविधा है, आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए प्लेट में सर्व करके रेडी है। तो यहाँ पे चटनी के साथ सर्व किए हैं शेफ भैया। और ये जो चिकन का जो पीस है ना दोस्तों, देखिए कितना जूसीपन है और कितना प्रॉपर पका है, बहुत ही मस्त है। तो इसके खाने के बाद में दोस्तों बिल्कुल जी आपका करेगा कि हम बार बार इस बिरयानी को खाएं। तो आपको हमारा हैदराबादी अचारी बिरयानी बताने का तरीका कैसा लगा जरूर आप बताएं। तो ये तो बहुत ही मजेदार है दोस्तों, देख सकते हैं हमारे जो बच्चे हैं वो खा खा के बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी इस तरीके से बनाएं अचारी बिरयानी घर पे और मजे लें। और अंकल ने हमें भी खिलाई है और अंकल बिरयानी को एक चटनी के साथ सर्व करते हैं। तो अंकल वो चटनी में क्या क्या है? अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है वो बिरयानी। और जो अंकल का जो चिकन है हमने अभी टेस्ट किया है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, मसालेदार है और चटकपन है उसमें। तो अंकल ने बिल्कुल हैदराबादी टच दिया है इसको। तो अंकल कुछ कहना चाहेंगे? आपने रेट्स बताइए कि किस हिसाब से आपके रेट्स हैं। आप कभी भी मंगाना चाहें तो रात के 1 बजे तक है। और सुबह कितने बजे? सुबह 10 बजे। तो देखिए ना कितना आसान है अचारी बिरयानी बनाना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दूसरे के साथ भी शेयर करें और हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत से ऐसा रेसिपी आने वाला है जो कि शेफ से बना होगा, जैसे कि केक हो गया, गोलगप्पा हो गया, भटूरा हो गया, बहुत से आने वाला है। तो जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें रोजाना खाना से। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।